चेक करोगे पहले इसका? हाँ पास करेंगे जी, से पहले देखेंगे क्या चीज नीचे देखी कैसी जाती है। है, क्या चीज देखते हैं जब? ठंड देखी जाएगी, डोकल देखी जाएगी, फर्रा देखी जाएगी जी, और क्या देखा जाएगा। अच्छा मतलब उसमें दूध तो अभी चेक नहीं होगा इसका। अच्छा ये चीजें देख कर चेक करते हो ना? जी जी जी। अगर ये ठंड निकाल रही है दूध तो भाई साहब क्या पता खीस मार के ले ली धार दो। खीस पर है कितना खीस आ रहा है? इतना होगा 9 से 10 लीटर खीस इसका तैयार है ना। तो दे देगी दूध 13-14 किलो, 13-14 किलो दूध दे देगी ना फर्स्ट टाइम। क्या हाल चाल है जी? बस ठीक जी बिल्कुल। और कहाँ से आए हो? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हो जी सर। कितने टाइम से आ रहे हो इस मंडी में? 5-6 साल हो गए जी। 5-6 साल से आ रहे हो जी। तो ये भैंस आपने ली है? जी सर। कौन सी भैंस तुम्हें बेही है अभी? ये दूजन बता रहे हैं जी, दूसरी बार बता रहे हैं जी। जी जी। तो मौके पर ये खाली कर रखी है? जी जी खाली है। कितना दूध निकाल रही है? 4 लीटर दूध निकाल रखा। नमस्कार दोस्तों, सरा फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी। आज फिर से आए हुए हैं पशु मंडी रावतसर। तो आप लोग पीछे देख सकते हो भैंसों की मंडी है। हर बुधवार के दिन इस मंडी का लगने का टाइम है। तो भैंसों के बारे में आपको रेट के बारे दाम के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे जी। और चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। जय मंडी और आपको कई मंडियों की कवरेज हमारे इस चैनल पर दिखाई जाती है। तो आप सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको दिखाते हैं जी भैंसों का क्या दाम वगैरह इस मंडी के अंदर चल रहा है। सो दोस्तों आपको एक भैंस और चलाकर दिखाते हैं जी। डिटेल वगैरह पूछेंगे। पूछ देखो पूरी बड़ी और लंबी पूछ नीचे इस भैंस की पूछ लग रही है। तो दूध के बारे में और भैंस के बारे में पूरी जानकारी भाई साहब से लेकर बताएंगे जी। क्या दाम वगैरह इस भैंस का जी कर रहे हैं और कितना दूध ये निकाल रही है। तो बटर क्वालिटी आप लोग एक बार दोबारा से चेक कर लो। 4 थन इस भैंस के गैप पर है। तो बाकी पूरी डिटेल भाई साहब से हमें लेकर आपको बताएंगे जी क्या दाम वगैरह इसका कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। और कितनी भैंस लेकर आए थे? 4 भैंस। अभी कितनी रह रही? 1 रह रही है। अभी जो ये आपने चलाई है ब्याई हुई है? हाँ जी। कौन सी भैंस तुम्हें ब्याई है? ये दूसरे दूसरी बार ब्याई है। हाँ जी। और कितना दूध दे रही है? दूध दोनों टाइम 11 किलो है। 11 किलो दे रही है दोनों टाइम। तो क्या दाम कर रहे हो उसका? 1,10,000 रुपये। छोड़नी कितने में है? छोड़नी पूरे की, पूरे 1,00,000 रुपये की छोड़ दोगे? हाँ जी। है ना, बाकी मान सामान जो हाँ वो तो हो जाएगा, वो मौके पर हो जाएगा। कितने पशु रहते हैं आपके फार्म पर? घर पे 10 भैंस रहती है, 10-11 भैंस। और कहाँ से आए हो? गांव खोता वाली, तहसील पीलीमा, जिला हनुमानगढ़। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 90-793-7-97। ठीक है जी। ठीक है। सो दोस्तों आपको एक और भैंस चलाकर दिखा रहे हैं जी। तो सींग क्वालिटी आप लोग एक बार पास में से देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत सींग, कुंडी वाली सींग इस भैंस के लगे हैं। तो ऑर्डर क्वालिटी भी पूरी फिट ऑर्डर इस भैंस के वो लगा हुआ है। तो दूध के बारे में और भैंस के बारे में प्रॉपर जानकारी भाई साहब से बाकी लेकर बताएंगे जी। तो ऑर्डर क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, 4 थन इस भैंस के वो गैप पर है। तो बाकी की अपने डिटेल भाई साहब से पूछते हैं जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया बढ़िया जी। माइक पास रखो। और कहाँ से आए हो? राव सर, यहाँ से। और कितनी भैंस लेकर आए थे? 3 भैंस लेके आए थे। और कितनी सेल हो गई? 2 हो गई। 2 हो गई। एक तो इन भाई साहब ने लिए जो भैंस अभी चलाई है। हाँ इन्होंने। तो ये भैंस कौन सी भैंस में ब्याई हुई है? फर्स्ट ब्याह है। पहली बार ब्याई है? कितना टाइम हो गया? लगभग 2-3 साल, 3रा दिन है लगभग। 3रा दिन हो गया। तो भाई साहब से बात कराओ आप। हाँ जी, इसमें बोलना पड़ेगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है जी? ठीक है सरकार। और कहाँ से आए हो? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हो? हाँ जी। कितनी भैंस ले जाओगे आज? 4 जी। कितनी होगी अब तक? 2। 2 होगी। कुलदीप जी के नौरे से लिए अपने? हाँ, 2 लिए। दोनों भैंस इनकी नौरे से लिए है ना? अच्छी भैंस आती है ना? हाँ जी, भैंस अच्छी आती है। हाँ तो जी, भैंस आपको क्या दाम में पड़ी है? 1.23 में जी। 1.23 में जी। और कितना दूध वगैरह निकाल रही है? दूध तो भाई साहब क्या पता खीस मार के ले ली धार दो। खीस पर है? कितना खीस आ रहा है? खीस भाई इतना होगा, 9 से 10 लीटर खीस इसका तैयार है ना। तो दे देगी दूध 13-14 किलो, 13-14 किलो दूध दे देगी ना फर्स्ट टाइम है, दे देगी आराम से। हाँ तो इसके बाद में कौन सी ली है वो भी चला कर दिखा दो आपकी भैंस। उधर है, वो उधर है, उधर है क्या? हाँ उधर। तो ये वाली भैंस ली है जो? ये इस भाई ने ली है। ये नो दिखाएंगे, ये ले। चलो जी इसके बारे में बताओ। ले भाई पकड़ो अपनी, पहला भैंस दिखाओ। भैंस बताओ चला के। सो दोस्तों ये वाली भैंस भाई साहब ने ली है, तो आपको ये भी भैंस चला कर दिखाएंगे। सो दोस्तों ये सेकंड भैंस आपको चला कर दिखा रहे हो, ये भी भाई साहब ने परचेज करके एक साइड पर बांध रखी थी, तो उसी लिए ये बैठी हुई है। तो पूरी डिटेल अपने बाकी भाई साहब से लेकर बताएंगे जी। क्वालिटी के अंदर आप लोग देखोगे तो ये भैंस भी काफ़ी खूबसूरत है। थन इसके भी 4 हो गए पर सींग क्वालिटी, कुंडी वाली सींग इस भैंस के अब वो लगे हुए हैं।
तो बाकी अपने दाम के वगैरह में बारे में और दूध के बारे में पूरी जानकारी। खाली की हुई है तो खाली की हुई भैंस अभी बता रहे हो, उस हिसाब से आप ऑर्डर की जजमेंट है वो आप कर सकते हो। तो बाकी अपने भाई साहब से पूरी डिटेल लेते हैं जी। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई क्या हाल चाल है जी? बस ठीक जी बिल्कुल। और कहाँ से आए हो? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हो जी? सर कितने टाइम से आ रहे हो इस मंडी में? 5-6 साल हो गए जी। 5-6 साल से आ रहे हो? तो ये भैंस आपने ली है जी? सर कौन सी भैंस तुम्हें बेही है अभी? ये दूजन बता रहे हैं जी, दूसरी बार बता रहे हैं जी। जी जी। तो मौके पर ये खाली कर रखी है? जी जी खाली है। कितना दूध निकाल दिया? 4 लीटर दूध निकाल रखा। खीस निकाला जी? दूध दूध है जी, दूध खीस में दूध। 4 लीटर मतलब दोनों टाइम का 8 लीटर हो जाएगा जी? दोनों टाइम का 8 लीटर हो जाएगा जी। जी जी। हाँ तो ये क्या दाम के अंदर पड़ी है? ये लीजिए 1 लाख रुपए की। लाख रुपए की जी जी। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर काफी खूबसूरत है ना? बिल्कुल बढ़िया जी। हाँ तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोल दो अगर कोई दिल्ली का भाई आपसे लेना चाहेगा तो। 9837532512। अगर कोई भाई लेना चाहेगा तो उसको आप साथ में ले आना। तो दीप नंबर 8 ही है जी दोबारा? नहीं नहीं जी नंबर दोबारा बोलो। 9837 हाँ 53 25 ठीक है 12 ठीक है जी। हाँ तो अगर कोई भाई लेना चाहेगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। क्यों नहीं, मंडी के अंदर ले आओगे आप उसको जहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बांका दिल्ली का आपके आसपास का तो कुलदीप जी से आप मिलाना, इसके नोरे के अंदर काफी अच्छी भैंस आती है, टॉप की भैंस इस मंडी में इनके नोरे में। बिल्कुल सेवा करेंगे जी, कोई आना चाहेगा तो जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करनी भी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक। दोस्तों एक और भैंस आपको चलाकर दिखा रहे हैं जी, ऑर्डर क्वालिटी आप लोग इसकी देख सकते हो काफी शानदार है। तो सींग क्वालिटी भी इस भैंस की काफ़ी खूबसूरत है, वो रहने वाली है। तो दूध के बारे में और भैंस के बारे में पूरी जानकारी लेकर बताएंगे जी। बॉडी स्ट्रक्चर और पिटपुड़ा आप एक बार चेक कर लो जी, काफ़ी भारी पिटपुड़ा इस भैंस का लगा हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर भी काफ़ी शानदार है, सींग क्वालिटी भी देखने के अंदर काफ़ी खूबसूरत ये भैंस है वो नज़र आ रही है। तो बाकी जानकारी भाई साहब से लेते हैं जी, दाम के बारे में और दूध के बारे में। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया है। बढ़िया हो? हाँ। और कैसे माहौल चल रहा है मंडी का? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है ना? हाँ। अभी एक आधे महीने तक पूरी बनना स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्शन हाँ। की वजह से थोड़ा मंदा चल रहा है ना। तो जी वैसे भी आपने चलाई है, ताजी भी आई हुई है जी? तो हाँ जी 3 दिन की। 3 दिन की भी आई है। मौके पर कितना खींच दे रही है जी? 13-14 लीटर खींच तैयार है। 13-14 लीटर खींच तैयार है ना? 18 लीटर दूध देगी। नस्ल कौन सी में आ जाती है जी? मुर्रा में आ जाती है। और ब्यांत कौन सा बताया था? दूसरा, 4 दांत कटिया है। 4 दांत है मुँह से ना? तो इस भैंस का क्या दाम कर रहे हो? 1.35। छोड़नी कितने तक का? 30 की दे देंगे। 1.30 की दे देंगे। 1.30 तक छोड़ दोगे ना? हाँ जी। बाकी मानता कोई कस्टमर? मौके पे हो जाएगा 1000-2000 का वो हो जाएगा है ना। हाँ जी। तो आगे वाली भैंस भी आपकी चला कर दिखाओ। तो दोस्तों एक और भैंस भाई साहब से अपने रिक्वेस्ट की है चलाने के लिए, आप लोग थन देख सकते हो इस भैंस के, और एक सौदा भी आगे चल रहा है जी, लाइव सौदा। भाई साहब एक भैंस शायद और ले रहे हैं, तो ये चलते हुए भैंस आप लोग देख सकते हो जी, चारों थन इस भैंस के वो गैप पर है। तो दाम वगैरह के बारे में, दूध के बारे में भाई साहब से पूरी जानकारी लेकर बताएंगे, कितना दूध ये भैंस निकाल रही है और क्या दाम इस भैंस का जी कर रहे हैं। तो मौके पर जो मंडी के अंदर ताज़ा व्याई भैंस ये लग रही है, तो अपने इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी है वो बताएंगे जी। हाँ तो भाई साहब ये भैंस अभी आपने जो चलाई है? हाँ जी। व्याई है ये? हाँ जी। कौन सी भैंस में व्याई है? दूसरे, दूसरी बार व्याई है। हाँ। मौके पर ये कितना दूध निकाल रही है? 12 लीटर दूध तैयार है। तैयार है? हाँ जी। दोनों टाइम का? हाँ जी। तो दूध चुबाई में कैसी है? अच्छी है, जोरदार जोरदार है। हाँ। तो इसका दाम क्या कर रहे हो? दाम 85,000 रुपये। और छोड़नी कहाँ तक है? 80,000 की। 80 तक छोड़ दोगे ना? हाँ जी। ये भी ताजा व्याही है ना? हाँ जी। 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए? हाँ जी। इसे व्याही हुई है ना? हाँ। हाँ तो इसके बाद ये आगे वाली ये भी अपनी है। तो दोस्तों एक और भैंस आपको चला कर दिखाएंगे जी, इस साइड ले लो, एक और भैंस आपको चलाकर दिखाएंगे जी, ऑर्डर क्वालिटी आप लोग इसकी भी चेक कर सकते हो, इसकी भी काफ़ी शानदार है, चारों थन इस भैंस के गैप पर है। तो सींग क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार इस भैंस की है। तो दाम के बारे में और दूध के बारे में बाकी भाई साहब से पूछेंगे जी, क्या दाम कर रहे हैं इस भैंस का और कितना दूध वगैरह निकल रही है?
तो प्रॉपर जानकारी आपको वीडियो के अंदर आपको देंगे। शायद इस भैंस का सौदा वो हो गया। सो दोस्तों जी लाइव सौदा जी मंडी के अंदर भैंस का चल रहा है, तो सिंक क्वालिटी इसकी आप लोग देख सकते हो काफी खूबसूरत है। तो बच्चा छोड़ के जी चेक कर रहे हैं जी, बच्चा छोड़ के जी चेक कर रहे हैं कि क्या दाम वगैरह इस भैंस का है। तो दोस्तों सबसे पहले तो दूध चला के इसको चेक करें। तो भाई साहब जी होगी भैंस आपकी ये भी? होगी जी, होगी होगी। तो आप दूध चेक करोगे पहले इसका? हाँ पास करेंगे जी, इसे पहले देखेंगे क्या चीज नीचे कैसी है, क्या चीज देखते हैं जब? ठंड देखी जाएगी, डोकल देखी जाएगी, फर्रा देखी जाएगी जी, और क्या देखा जाएगा। अच्छा मतलब उसमें दूध तो अभी चेक नहीं होगा इसका। अच्छा ये चीजें देखकर चेक करते हो ना? जी जी जी। अगर ये सभी चीजें सही होती है तो उसका मतलब मार्केट दाम सही रहता है? सही रहता है, सही है, सही है। तो क्या दाम के अंदर पड़ गई जी आपको ये? पड़गी जी 95,000 रुपए की। 95,000 रुपए की पड़ गई है ना? तो ये भी तीसरी भैंस होगी अब आपकी? हाँ तीसरी भी बता रहा हूँ, दूसरी आपकी होगी और एक आपके वो साथ थे उनकी होगी। एक साथ की होगी जी। हाँ सही है, सही है। चलो ठीक है भाई साहब। जी जी सर, आप करो, आप चेक करो इसे। ओके साहब। सो दोस्तों ये शर्रा फर्रा वो चेक कर रहे हैं जी, दूध कैसे इस भैंस का वो आ रहा है। चारों थन इसके चेक किए जाते हैं, तो चारों थन के अंदर दूध देखेंगे जी किस प्रकार से निकलता है। तो उसके बाद में ये दूध को पिया भी जाएगा, पीकर भी ये चेक करते हैं जी पीने के अंदर दूध कैसा है। अगर पीने के अंदर दूध सही होता है तो ही भैंस को पास करते हैं। तो दूध को पीकर, तो दूध को पीकर भी ये भैंस है वो चेक की जाती है, तो ये उस हिसाब से दूध पी रहे हैं। उसके बाद में ये कुछ भैंस के दूध है जो निकाल कर देखेंगे जी कितना भैंस के नीचे ये दूध आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हो जी किस प्रकार से मंडी के अंदर, अगर आप नए अगर देखने वाले हो तो इस प्रकार से आप मंडी के अंदर आकर भैंस है वो चेक कर सकते हो।